हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निधि देवशाली शर्मा स्वागत करती हूं आपका। आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मसाज फॉर किड्स के बारे में। जो हमारी दादी नानी भी हमारा बहुत ध्यान रखती थी और हमें ऑयल मसाज दिया करते थे, पर आजकल टाइम नहीं है। पर आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो एक्टिव रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में पाया जाता है और काफ़ी लंबे टाइम से हमारे घरों में यूज़ हो रहा है, खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कच्ची धानी सरसों का तेल आप लीजिए बच्चे की मसाज के लिए, उसे हल्का गुनगुना कर लीजिए। इससे बच्चे की बॉडी में मसाज कीजिए, इससे क्या होगा, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। अगर आप हेयर मसाज करते हैं तो बालों में की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग होंगे, और बच्चों को ये सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नारियल का तेल। देखिए, नारियल का तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इससे बच्चों का त्वचा संक्रमण नहीं होता है। जैसे बच्चों का एलर्जी हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आप अगर नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके उनको मसाज देते हैं और 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से उन्हें नहला देते हैं, तो उनसे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी। अगर आप हेयर मसाज करते हैं तो इससे आपके बाल भी स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं घी। देखिए, घी तो हर घर में पाया जाता है, हम खाने में भी यूज़ करते हैं। गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को खिलाना भी चाहिए। तो विंटर्स में तो घी की मसाज बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप घी को गर्म करके नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद आप बच्चे को मसाज दीजिए। अगर उसकी छाती में कोल्ड कफ जमा हुआ है और वो बहुत परेशान है, तो इससे उसको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि घी जो होता है वो शरीर में गर्माहट पैदा करता है और ठंड से बचाता है। घी से मसाज करने के बाद आप बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से नहला दीजिए, उसके बाद देखिए आप वो कितना एक्टिव फील करेगा, कितना रिलैक्स होगा, उसे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैतून का तेल। देखिए, जैतून का तेल हर कोई यूज़ नहीं करता है, बट मार्केट में आजकल मिलता है तो लोग यूज़ कर रहे हैं, बोला जाता है बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप उसको जैतून के तेल से ही मालिश कर सकते हैं। उसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी तासीर जो होती है वो पहले से ही गर्म होती है। आप जैतून का तेल लाइए और उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बच्चे की मसाज के लिए। उससे मसाज करके आप उसको 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से नहला दीजिए और बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। जैतून के तेल से हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है। जो हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और जो बच्चा बहुत लेज़ी फील करता है, बहुत थकावट फील करता है, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये मसाज जो है हमारे घरों में पहले से ही बच्चों के लिए की जाती है, पहले से ही ऑयल मसाज करते हैं दादी नानी। आप देखेंगे बच्चे को लेके लगे रहते थे, सुबह भी मसाज हो रही है और शाम को भी लगे हुए हैं। इससे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता था, अच्छी नींद आती थी, भूख अच्छी लगती थी। आप इस चीज़ों को इनकी लाइफ में दोबारा से ऐड कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे एक्टिव रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।